हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मारिया और आज जो मैं आप लोगों के साथ अपनी सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ है चिकन रोस्ट की। और इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने पहले से अपना चिकन धो के फुल आँच पर रखा हुआ है। पानी डाला है मैंने आधा जग, पूरा नहीं। आप एक नींबू ले लें निचोड़ के, भी डाल दें, इसमें सिरका डाल दें, कम अज़ कम 2-3 चम्मच चाहिए। लाल मिर्च, एक चम्मच कर रहे हैं। हल्दी दानी आधी चम्मच, इसमें देखिए लहसुन है, अदरक है और प्याज है मोटी कटी, वो डालूंगी। सारे गरम मसाले हैं मेरे पास, इलायची मोटी, लौंग, ये सब इसमें डालेंगे और ज़ीरा भी डलेगा। इसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, एक चाय का चम्मच, और नमक एक चम्मच। तो चिकन जल्दी गल जाता है तो इसको कम से कम 15 मिनट बनाएंगे तेज़ आंच पे, इसी आंच पे, इसको कम नहीं करना और इसको हम 15 मिनट बाद देखें। देखिए मैंने अपना जो चिकन रोस्ट था उसको पानी स्टैंड करके मैंने निकाल दिया है और खाली अब मेरे पास चिकन के ये पीसेज हैं। मैंने 2 अंडे लिए, उसमें काली मिर्च डाली और उसको सादा से फेंट लिया और कुछ भी नहीं करना, बस इसको इसमें डिप करना है। और मेरा जो ऑयल है आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है, बिल्कुल रेडी है, उसको इसमें डालना है।